की चाय बनाते हो भाई। अच्छा तो मामा इसी बात पर निकालो पिछले 50 रुपए। सुतिलाल तुम बहुत बकवास चाय बनाते हो। वाह, उधार पिलाओ तो अच्छी चाय है और पैसे मांगो तो बकवास चाय है। मामा तुम आदमी हो या गिरगिट, एकदम से रंग बदल लेते हो। अरे गिरगिट तो पिताजी हुआ करते थे। सुतिलाल अगर हम उधार की चाय पी रहे हैं तो तुम्हारी नानी मर रही है और वो बिजी पांडे आके तुम्हारे जलेबी समोसे सटासट चट कर जाता है। अरे ऐसा लगता है जैसे ये सब उसके दहेज में आए। सुतिलाल कैसे हो गुड्डू? भैया बताओ आज हम तुमको क्या खिलाएं, समोसा जलेबी या जलेबी समोसा? भैया क्यों ना दोनों खा लिया जाए। रियली? पापा कसम बहुत कमीने टाइप आदमी हो। सुतिलाल हमारे गुड्डू की अभिलाषा को पूरी करिए। देख लिया, अब अगर ये पैसे दे दे तो हम भी दे देंगे। इधर सुनो, पापा कसम बहुत छिचोर पंती वाली बातें करने लगे हो गुरु। हाँ तुमको क्या लगता है हम पैसे नहीं देंगे? हमको क्या, सुतिलाल को भी यही लगता है। अच्छा छोड़ो गुरु, हम तुमको ही ढूंढ रहे थे। अरे हमको पता है जो हमें ढूंढ रहे थे। पता नहीं हो लेकिन तुमको पता भी नहीं है। हमको क्या पता नहीं है? वही जो भैया को पता है। भैया को क्या पता है? हमको ये पता है कि पापा कसम तुम्हारे जैसा हूबहू भद्दा बसूरत मोटा सा आदमी हम तुमको लापतागंज में दिखा सकते हैं। बसूरत तो पिताजी हुआ करते थे। बीजी पांडे तुम कहना चाह रहे हैंगे कि बिल्कुल मामा की शक्ल का आदमी तुम इन्हें दिखाओगे? बिल्कुल, इनकी तरह भद्दा सा मोटा सा आउटडेटेड फैशन वाला चश्मा पहना हुआ, एकदम तलवार टाइप मूछे, मतलब सेम टू सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे चौरसिया दपान वाला भैया कह रहे तो सब हो सकता है। अच्छा सुनो, अगर हम तुमको तुम्हारे जैसा आदमी दिखा दें तो तुम हमको क्या दोगे? बोलो बोलो क्या लोगे? बोलो 100 रुपया लेंगे। बोलो मंजूर है तो दिखाएं, वरना हम अपनी लव की छाव में जाएं और तुम चूल्हे भाड़ में। अरे चूल्हे भाड़ में तो पिताजी जाया करते थे। चलो ठीक है, अगर तुम हमें हमारे जैसा आदमी दिखाओगे तो 100 रुपए ले जाओगे। पापा कसम हम पोस्टपेड नहीं है गुरु, हम प्रीपेड है। पहले पैसे फिर हलो और हिलो। अच्छा चलो ठीक है, ये लो 100 रुपए, अब बिल्कुल हमारी तरह हमारे जैसा हूबहू आदमी चल के दिखाओ। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो यहीं आ रहा है? यहीं आ नहीं रहा है, यहाँ आ चुका है। अरे वाह ये देख। अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारी तरह हमशक्ल हूबहू आदमी है। अरे मामा ये तुम ही हैंगे जो शीशे में खुद को देख रहे हैंगे। अरे ओहो बीजी पांडे तुमने हमें गधा बनाया। अबे जो हो वही तो बनाएंगे गुड्डू, चलो कहीं और जाएंगे और वहीं खाएंगे और साथ में शीशे को भी लेके जाएंगे। चल बेटा। थैंक यू भैया। साइकिल उठाएंगे। अरे 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 गधा तो पिताजी बनते थे लेकिन अब तुम बन गए हो। बनते हैं, कभी कभी कुछ लोग गधा भी बनते हैं। कछुआ चाचा आप? हाँ कोई संदेह? अरे कछुआ चाचा कहाँ थे इतने दिन? नहीं थे। अरे आप तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सुर से सींग। होते हैं कभी कभी लोग ऐसे भी गायब हो जाते हैं। लेकिन हम तो आज तक नहीं हुए। कभी कभी नहीं भी होते हैं। अरे कछुआ चाचा कैसे हैं? अरे हम तो ठीक हैं। और कब लौटे दूर की भतीजी के पास की भतीजी की शादी से? और बस वहीं अस्त व्यस्त हो गए, अभी तो लौट के आए हैं मुकुंदी बाबू। और घर में सब ठीक है? हाँ ठीक। और लापतागंज का काल है? अब कछुआ चाचा लापतागंज तो हमारे देश की तरह है, जहाँ हालात हमेशा एक से ही रहते हैं और हवाएं चलती रहती हैं और वो भी विपरीत दिशाओं से। चलिए चलते हैं दफ्तर के लिए, देर हो रही है। और छोटू मिश्री कहाँ है? घर पर है। अब क्यों? बहुत दिन बाद आए हैं लौट के, तो सोचे मिलने मिश्री से, तुम यहाँ बैठ के चाय पियो।
आराम से। कछुआ चाचा की याद आ रही है? और आपका ऐसे हम मिस रहे हैं। ओहो कछुआ, आह एकदम से कैसे प्रकट हो गए हैं? होते हैं कुछ लोग एकदम से भी प्रकट हो जाते हैं। आ जाओ गुड़ का शरबत घोलो, जाओ जाओ। देखो तो। और मिश्री हैं? याद आई? हाँ याद तो आती रहती है, सताती रहती है, हमेशा आती है। देखो अब भी आ रही है। हम तो तुम्हारे सामने बैठे हैं मिश्री। हाँ तुम सामने बैठे हो लेकिन वो नहीं है सुरीले के बापू। अरे हम अपना बारे में पूछ रहा है मिश्री। इतना दिन तक हम लापता गंज में नहीं रहते हैं तो याद आता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आती है। अच्छा कैसे? पिछले हफ्ते बुधानी के खेत से गेहूं के बोरे लाने थे, हमने बहुत याद किया। अच्छा? और दिवाली में घर की साफ सफाई करनी थी, हम सोचे दो छत्ती पे चढ़ के तुम जाला साफ कर दोगे। रामलीला में हम रावण खोल रहे थे तो बहुत याद किया। मिश्री समझ गए कि तुम हमको कैसे याद करती हो। और बता रहे खुश रहो मिश्री, अब हम चलते हैं। हाँ। हमको नींद आ रहा, थक गए हैं, सोएंगे। हाँ। 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 सुनो तो आया हो तो वो क्या कहते हैं अंदर जाके चावल। हाँ, चावल बन गया। लाओ 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 बेटा। नहीं चावल बने नहीं है। हाँ? चावल का बोरा है। हाँ। बाहर रख दो, आंगन में धूप दिखा देंगे, जाओ। हाँ। हाँ। अरे मिश्री तुम छोटू के लिए कोई काम सोच के नहीं रखती हो का? उसके लिए भी कुछ काम खोज कर सोच कर रखो। गुस्सा हो गया। और शाम को गुस्सा खा होंगे हम। हम शाम को कड़ी चावल बना रहे हैं। चलो हाँ कहाँ बात कर रही है कमला? हाँ रात को 2 बजे तुमने घर में कछुआ घुसाया था। हाँ मिश्री 2 बजे। हाँ। अरे मारे डर के हम तो पानी पानी हो गए थे, का बताएं। होश और का है नहीं मचाई है, मुंह में मुरब्बा ली थी का? अरे कहा तो रहे हैं, मारे डर के हम तो सूखी अदरक हो गए थे। अच्छा ये हमने क्या सुना, कछुआ चाचा कमला चाची के घर, वो भी रात के 2 बजे। क्या तुम ये क्या कह रहे हैंगे? वही जो तुम सुन रहे हैंगे। कछुआ चाचा रात के 2 बजे अपनी पड़ोसन कमला चाची के घर पे पाए गए? अरे रात के 2 बजे तो पिताजी अपनी पड़ोसन के घर पे पाए जाते थे, लेकिन इस बार ये हरकत कछुआ चाचा ने की है। ये बिल्कुल गलत बात हैंगे। कछुआ चाचा से हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उम्मीद तो हमको भी ऐसी नहीं थी कछुआ चाचा से। आज तक तो कभी उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। अरे भाई करते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में ऐसी हरकत भी करते हैं। हमें लगता हैंगे कछुआ चाचा लापता गंज से बाहर जाके बिगड़ गए हैंगे। अरे बिगड़ते तो पिताजी थे भाई, ये सोचो कि किया क्या जाए। मामा हाँ। जीजा जी को सूचित किया जाए। अरे अलीजा जीजा जी को सूचित करने के लिए तो मुंबई जाना पड़ेगा। हैं? जीजा जी मुंबई गए हैंगे? अरे वो तो कब के गए हैं? अरे कल ही तो हमने उनको देखा था। क्या जीजा को यहाँ देखा था? फिर वो दीदी से मिलने क्यों नहीं आए? अरे मामा दीदी से कैसे मिलेंगे, दीदी तो मैके गई हैंगी। ओहो हम तुम्हारी दीदी की नहीं अपनी दीदी की बात कर रहे हैं। हैं? ओहो अरे मामा हम तुम्हारे जीजा की नहीं हमारे जीजा की बात कर रहे हैंगे। मुकंदी भैया की बात कर रहे हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हैं? अरे जे का कह रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जीजा जी ऐसा ही हुआ हैंगे। मामा आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे गलत फहमी तो पिताजी को हुआ करती थी, हमने अपने इन्हीं कानों से सुना है। कमला चाची दीदी से कह रही थी कि कल रात 2 बजे कछुआ चाचा उनके घर में थे। कछुआ चाचा की इस हरकत का अगर आसपास के गांव वालों को पता चल गया तो लापता गंज की बहुत बदनामी होगी। बदनामी तो होगी लेकिन हमें तो यकीन नहीं आ रहा कछुआ चाचा ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं।
हमको कौवा उड़ाना होता तुमको रुमैन सूझता है जब तुमको रुमैन तुम कौवा व्हाट इज दिस यार सॉरी भैया टंग ऑफ स्लिप ओके अबे उधर देख ओहो आइए कैसे हैं आप पापा कसम मटर गश्ती खत्म हो गई लापतागंज वापस आ गए हाँ भाई विजय पांडे लापतागंज तो वापस आ गए और तुम बताओ पापा कैसे हैं पापा कसम हमारे पापा एकदम चुस्त और तंदुरुस्त हैं नहीं बधाई हो अच्छा बेटा एक बात बताओ क्या तुम्हारे नौकरी वोकरी का क्या हुआ कुछ हुआ क्या अबे गुड्डू पापा कसम हमारे पापा से ज्यादा चिंता तो हमारी नौकरी को इनको सताती रहती है यार अब सताती है बेटा किसी किसी को चिंता भी सताती है लेकिन भैया को तो नहीं सताती है अब किसी किसी को नहीं भी सताती लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं तुमसे बिजी पांडे सुरीली के घर के बाहर कुत्ते की तरह भौंकना छोड़े कि नहीं पापा कसम जब से लापतागंज आए हैं बोरिया से गए हैं एक बात बताइए आप हमको हम सुरीली घर के बाहर भौंके या कहीं भी भौंके आपको क्या प्रॉब्लम है नहीं बेटा हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि किसी के घर पे जाके भौंकना अच्छी बात नहीं होती ओ रियली हाँ बिल्कुल सही कहा अच्छी बात नहीं होती कछुआ चाचा आपने जो किए हैंगे वो सच में अच्छी बात नहीं हैंगी हमने क्या किए हैंगे वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अरे कोतवाल को तो पिताजी डांटा करते थे हाँ भले ही बाद में कोतवाल उनकी सुताई करता था और दो दिन के लिए हवालात में बंद कर देता था कछुआ चाचा कल रात 2 बजे आप कहाँ थे घर पे थे और कहाँ थे अरे किसके घर पे थे किसके घर पे अपने घर पे थे और किसके घर पे रहेंगे एक मिनट ये बात का हुआ है जो हमसे ये पूछा जा रहा है मुकंदी भैया आप ही बताइए हमें शर्म आ रही है कछुआ चाचा मामा बता रहे थे कि कल रात 2 बजे आप कमला चाची के घर में गए थे अरे क्या मुकुंदी बाबू आप ऊट पटांग और अंट शंट बक रहे हैं अरे अंट शंट तो पिताजी बोला करते थे हमने अपने कानों से सुना है कमला चाची कह रही थी और वो भी हमारी दीदी से चुप मुकुंदी बाबू ये सब क्या बकवास है कल रात हम घोड़ा बेच के चद्दर तान के अपने घर में सो रहे थे ये देखिए पापा कसम अभी थोड़ी देर पहले एजुकेशन मिनिस्टर बन के हमको सीख दे रहे थे कि किसी घर के बाहर भौंका नहीं जाता और खुद देखो इतने बड़े खेलू है कि रात के 2 बजे किसी लेडी से घर के अंदर घुस गए अरे भैया क्यों चुप रहे हैं कछुआ चाचा जब बात खुल गई है तो सबको चुप करवाना चाहते हैं आप क्योंकि हम सच कह रहे हैं तो क्या कमला चाची झूठ कह रही है क्या हम झूठ कह रहे हैं छोटू ये जो तुम हमारे बारे में अंट शंट उड़ा रहे हो इसके लिए हम तुम्हें अभी यही इसी वक्त सबक सिखाएंगे अरे सबक तो पिताजी सिखाया करते थे अब हम सिखाएंगे छोटू चलो मौसी आ गई और फैसला हो जाएगा कहो है, हा? मौसी एक बात बताइए क्या आज आपको कमला चाची ने नहीं कहा था कि कल रात 2 बजे आपके घर कछुआ हाँ, उसके घर में कछुआ आ गया था सुन लिया मिश्री हाँ? हम तुम्हारा कसम खा के कहते हैं हम झूठ नहीं कह रहे हैं हम झूठी कसम का है खा रहे हैं पता है मुकुंदी कमला के पति ने कछुआ को उठाया और तालाब में फेंक दिया हाँ उनके घर में कछुआ जो निकल आया था हाँ तुम नहीं कछुआ निकल आया था रात को 2 बजे कहा मामा है? अरे तुम आदमी हो पैजामा अरे बिना सुने पूरे लापतागंज में डिंडोरा पीट दिया कि कल रात 2 बजे कमला चाची के घर में कछुआ चाचा पाए गए थे मामा
तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चलो मामा, सबसे पहले कछुआ चाचा से माफी मांगो। अरे माफी तो पिताजी मांगा करते थे। अबे तो अब तुम मांग लो, पहले इनसे मांगो बाद में हमसे मांगो। अरे तुम चाहे क्यों? वो इसलिए क्योंकि पापा कसम तुम हमारे और सुरीली के प्रेम के बीच की दीवार आशिकी का अत्याचार जो हो। अरे चुप रहो तुम। देखो भाइयों, भाई यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अरे कहा मामा, बड़े बेशर्म आदमी हो। एक तो तिल का ताड़ बना दिया हा? और ऊपर से कह रहा हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है मामा? कछुआ चाचा की। कछुआ चाचा के नाम की। अगर कछुआ चाचा का नाम कछुआ नहीं होता तो क्या इतनी बड़ी गलती होती? और ये भी कोई नाम है कछुआ? खबरदार छोटू, तुमने जो हमारे नाम के बारे में कुछ कहा। अरे चाचा, हमारी बात पे गौर करो, ध्यान दो हमारी बात पे। सोचो अगर तुम्हारा नाम कछुआ नहीं होता, उसकी जगह राम लोटन या श्याम झरोका होता तो क्या इतना बड़ा धोखा होता? सोचो, बोलो बोलो, जवाब दो। अरे अब क्यों नहीं बोल रहे? बोलती बंद हो गई? अरे बोलो, अब कैसे चुप हो गए? हैं, पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब चुपचाप है, कुछ बोल ही नहीं रहे। बात करते हैं कछुआ। चुप करो। अगर कछुआ चाचा का नाम कछुआ नहीं होता तो क्या इतनी बड़ी गलतफहमी होती? और ये भी कोई नाम कछुआ? सोचो अगर तुम्हारा नाम कछुआ नहीं होता, उसकी जगह राम लोटन या श्याम झरोका होता तो क्या इतना बड़ा धोखा होता? सोचो, बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। अरे बोलो, अब कैसे चुप हो गए? पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब चुपचाप है, कुछ बोल ही नहीं रहे। बात करते हैं। ए छोटू, अरे का? अरे, अरे का पगला गए हो का कछुआ चाचा? इतनी रात गए थाली का पीट रहे हो? अरे पिटाई तो पिताजी की हुआ करती थी। चुप करो। कछुआ, कहाँ इतना शोर मचा रहे हो? कान का कन खजुरा बना रहे हैं, नींद उड़ा दी है सबकी। अरे कछुआ चाचा, कुछ तो बोलिए, आप ये थाली क्यों बजा रहे हैंगे? बजाते हैं, कभी कभी कुछ लोग थाली भी बजाते हैं। लेकिन हमने तो आज तक नहीं बजाई। अब कुछ लोग थाली नहीं भी बजाते, लेकिन हम बजाएंगे ताकि पूरा लापतागंज यहाँ इकट्ठा हो सके। अरे लेकिन आप सब लोगों को इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं? ताकि हमें घोषणा कर सके। घोषणा तो पिताजी किया करते थे, और उद्घोषणा भी। चुप करा। अरे कछुआ चाचा, बहुत जोर से नींद आ रही है, इतनी रात हो गई है, जो घोषणा करनी है जल्दी से करो। अबे गुड्डू, कहीं ऐसा तो नहीं कि कछुआ चाचा को किसी के साथ टिंचू टिंचू टाए टाए यानी लव हो गया है? अरे लव तो पिताजी को हुआ करता था। अच्छा, तो आपके पिताजी भी लव के कीटाणु से ग्रस्त थे? कर रहा है, चुप करो। अरे चुप रहो ना यार, जब देखो तब लव चालीसा पढ़ने लगते हैं। बड़े भाई, यही चालीसा है जिसमें पापा कसम दुनिया टिकी हुई है। आप तो 44 के हो गए, आप नहीं समझेंगे चालीसा। सच बताएं, इसीलिए आप पस्त हैं और हम मस्त हैं। एंड बाय द ग्रेट ऑफ गॉड, इसीलिए हम अस्त और व्यस्त भी हैं। चाचा, अब जल्दी से बताइए का घोषणा करने वाले हैं? हम कछुआ आज पूरे लापतागंज के सामने ये घोषणा करते हैं कि अब हमारा नाम परिवर्तन होगा। वो नाम जो हमारे माता पिता ने हमें दिया था, वो आज हम उतार के फेंक देंगे। वो नाम जिसकी वजह से आज हमें अपमानित होना पड़ा, वो हम त्याग देंगे। लेकिन कछुआ चाचा, खबरदार, आज के बाद किसी ने हमें
कछुआ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो, चुप। अब हम कछुआ नहीं रहेंगे, अब होगा हमारा नाम परिवर्तन।